हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह की 10 बज रही है और आज मेरा खेत पे जाने का प्लान है। वहाँ पर गेहूँ बोएंगे, तो बोने से पहले साफ सफाई भी करानी पड़ेगी खेत की। तो अभी सीजन भी जो है आ ही रहा है गेहूँ का, तो हमने सोचा हम भी बो ही देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हम बोते रहते हैं हमारी फैक्ट्री पे। तो अभी उज्जैन से जो है हमारी फैक्ट्री 10 किलोमीटर दूर है हसनपुरा में, से हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट। तो फैक्ट्री हमारी जो है वो आ गई है। ये रहा मेन गेट। अब चौकीदार बाबा को बुलाते हैं। हेलो, अरे कहाँ रह गए? अरे कहाँ, क्या कर रहे हो यार? क्या बात है? अरे कहाँ रह गए थे? कहाँ यहाँ तो आटा खरीदो तुम है, आटा खरीदो, चूहा खा रहे तो फिर आटा अपना खाओ। तो ऐसी कुछ है हमारी फैक्ट्री। यहाँ पे मतलब एक शेड बना रखा है और ये अपना छोटा सा खेत है। मतलब 2 बीघा की मतलब लगभग जमीन है और साइड में यहाँ पर मतलब ऑफिस जैसा कुछ बना रखा है। ये बढ़िया मतलब शेड वेड डाल रखा है यहाँ भी, ताकि आराम से बैठो। और मुर्गियाँ वर्गियाँ भी है अपने पास, देसी बहुत सारी थी पर अभी तो 6-7 ही बची है। और बढ़िया अपनी खुद की गाय भी है देसी। और ये अपना शेड है ही सही। अभी शायद मैं इसकी चाबी लाना भूल गया, नहीं तो अंदर भी चलते देखते हैं। तो पहले तो यहाँ की साफ़ सफाई करानी पड़ेगी। पहले हमने यहाँ पे मतलब मक्का वक्का बो रखी थी और अब गेहूं बोएंगे, तो बढ़िया कल्टीवेटर वगैरह मंगवा लिया है। अब उसकी इंतज़ार है कि वो कितनी देर से आएगा। अरे मैंने क्या बोला ना, फोटो खींची यार। से हेलो टू कैमरा, हेलू बोलता है कि मोबाइल मंदे थे। मैं कहा से बनाऊंगा इससे वीडियो बनेगी मतलब यूँ। तो कल्टीवेटर का इंतजार कर करके अब थोड़ा चाय वाय चटका लेते हैं। तो अभी चाय बन रही है, वहीं चलते हैं। ये है हमारे चौकीदार भाई साहब का घर। ये हमारी दीदी है, बहन है। हाँ, चाय बन रही है, बढ़िया चाय बन रही है। अरे तू मारो फोटो कैसे आज तुम्हारी वीडियो बनेगी पूरी। बने दे तू तो मारो, ये मोबाइल दे दे मने। अरे मोबाइल तने दे दूंगा तुम, मारा आफत पड़ी जाएगा कि मारो आफत पड़ी जाएगा बनाने को। तू हमारी वीडियो बना, मैं तो एकदम तो मारला नहीं होगा फोन और जे कने बाप ने जगह बूट भी चापला फिर कितर फिर हो हैं। एक बूट ऐसा और एक बूट ऐसा क्यों करियो? कैसा बूट है? देख तो खेत के हिसाब से कहीं भी पहन जाओ यार। अब तू मारो वीडियो मत बना यार। तुम्हारा चश्मा सोने का है क्या? क्यों ये दिखाओ से इधर टक्कर आ गया तेरे को ले चश्मा। अरे मैं थोड़ी पहनना, चश्मा सोने का है क्या? नहीं। सोने का चश्मा पहन रहे ना, मेरे से मोबाइल मांग रहे यार तुम। यार सोने का नहीं है ये, मेरे को दिखता नहीं है ये, धुंधला धुंधला दिख रहा है। चाय बन गई, चाय ले जा। देख नहीं दे, अलग ही मजा है यहाँ पे चाय पीने का, मस्त बैठ के पियो। ओ ये हेलो गोपाल, लगता है इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुर्गी की पटिंग व्हेन आई एम गो क्लोजर क्लोजर। ओ ये तो कल्टीवेटर आ गया, अब साफ सफाई चालू हो जाएगी। कहीं हो जाएगा तुम्हारा फोटो का। अरे यार क्या यार, हाँ इधर भी वीडियो ले जाओ। दादर फेंकने का भी दादर करा पे ओके।
कुछ तुम्हारी इच्छा हो बोलने की तो गौ बोना है और क्या करना है? गौ बोना? हाँ गौ बोना है खाने के लिए। जो बेचेगा तो बेच देंगे, पैसा आ जाएगा थोड़ा बहुत, दूध मदद आ जाएगा, तेल आ जाएगा। ये कल्टीवेटर चलेगा, उसके बाद क्या आएगा? फिर रोटर वोटर रहेगा। क्या रोटर वेटर? ये डालदार है ना, पीसी देगा नेटवर्क, बारिश छप कर देगा। इसके बाद कौन बोना है, सूखे में कौन बो देंगे, या मोटर ये इधर की और राजेश की, दोनों मोटर से एक ही दिन में पानी पी जाए, एक दो दिन में। सौ रुपया थोड़ी लहसुन बो दें, नहीं लहसुन में अपनी पानी पड़ी रहती तो अपने घर के लिए पड़ना पड़ेगा। क्या क्या खिलाने ले चल रहे? मूंगफली। अरे तुम्हारी मूंगफली गायब हुई की यार, अब क्या करेंगे? मूंगफली देंगे क्या? नहीं गलीगी तो अब तो कहीं बचेगी, कहीं ट्रैक्टर उड़ाई देगा तो लौड़ी सब क्या मूंगफली। अरे यार तुम इतने दूर से उठा के लाए, नहीं मिला कहीं नहीं, देख रही मूंगफली थी मूंगफली गायब हुई। तो कल्टीवेटर का काम हो गया है, तो कल्टीवेटर अपना काम करके चले गया है, लगभग पूरा एक घंटा लग गया है ये बखेड़ने में, अगर यहाँ की भाषा में बोलो तो। ये पूरा खेत जो है वो बखेड़ दिया है, अब रोटावेटर जो है वो एक आध घंटे बाद आएगा, तो जब तक कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह ऐसे ही उठ के आ गया था मैं। खेत बोड़ी यहाँ खड़ी जाए बना ले, जितना भी बना ले बना ले। कई करी दिया तो ट्रैक्टर वाले को जो है वो जावे दो घंटे से भी ऊपर हो गए, और मैं खाना खा लिया था उसके बाद भी मेरे को एक डेढ़ घंटा हो गया, बैठे बैठे उंगाते उंगाते ही समय निकालना पड़ा, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो 10% ही बच गई है, और बाकी साठे आटे तो चल ही रहे हैं। अब और तोड़ने जा रहे हैं गन्ने। ओ अच्छा अच्छा तोड़ी लीजिए, सब चट कर गए तुम यहाँ। चलो 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 गाइस, तो इतने समय के बाद जो है वो रोटावेटर आ गया है, अब ये चलेगा। आज का जो काम है वो ख़त्म हो गया है, आज हमने पहले तो कल्टीवेटर चलाया, उसके बाद रोटावेटर चलाया, अब जो गेहूं है वो हम कल बोएंगे। तो अगले दिन मैं खेत पे वापस आ गया हूँ, मेरे साथ में आई एम ऋतिक भी आए हैं, और आई एम भयू भी आए हैं, वो कहाँ चले गया वो आई एम भयू? चलो गाँव लेने गया है, वो गाँव बोएंगे। तो कल तो मेरा मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया, बंद हो गया था, तो उसके आगे का मैंने कुछ बनाया ही नहीं। कल हमने कल्टीवेटर चला दिया था, और वो रोटामीटर क्या बोलते उसको, रोटावेटर वो चला दिया था। ओके गाइस, आज दोपहर के 3 बज रही है, कल तो रोटावेटर और कल्टीवेटर ही हुआ था, अब गेहूं बोवाने वाले खेत में, खेत दिखाओ भैया। ये देखिए ये हमारा खेत है गाइस, अब हम इसमें गेहूं बोवाने वाले, वो ट्रैक्टर लेने गए भैया। बस अब ट्रैक्टर आएगा और गेहूं बोना जो है हम चालू कर देंगे। तो आई एम भैयू भी आ गए हैं, से हेलो टू कैमरा। गाइस हम अभी गेहूं लेने गए थे, हम गेहूं बोएंगे, अभी गेहूं का बीज लेके आए हैं। अरे ये ट्रैक्टर आ रहा है, फिर हम गेहूं बोएंगे। गाइस अब हम अंदर चलते हैं, ये डायलॉग तो मेरा था रे, जय भी नली खींचते हुए। ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर
देखे गाइज अब हम आ गए ट्रैक्टर के पास में। यहाँ हम गेहूँ डालते हैं, वो पहिया घूमता है, जब इन सारे पाइपों में से गेहूँ गिरता है, इन सारे पाइपों से जो गेहूँ गिरता है वो नीचे इनमें से आता है और फिर क्या, और फिर यहाँ से हम सेट करते हैं कितने गेहूँ गिराने हैं। और यही थी सीडिल की कहानी, गेहूँ डल रहे हैं। गेहूँ खत्म होगा उसमें क्या बीज ये कितने हैं? हे गाइस, उसमें हमने 50 किलो गेहूँ वो डाले थे, वो खत्म हो गए, अब दूसरे गेहूँ वो ले जा रहे हैं वो डालेंगे। मतलब वो ऐसे कैसे है कि बीज डाले उसमें? नहीं, बीज डालेंगे। दूसरी पोटली तो कहाँ से, ऑरेंज कलर, वो अलग कलर की सफेद कलर की पोटली थी जितने पहले हमने गेहूँ डाले थे। पहले कितने डाले थे? हमने 50 से 60 किलो डाले थे, उतने गेहूँ और लगेंगे गाइस। 50 से 60 और 15 किलो, एक क्विंटल हो जाएंगे। मतलब जा देती ले क्या, कहाँ जाऊँ मैं, गेहूँ गिरते हैं। ओ ये बोल दो, ओ ये बस वो जाना था ना, अब वो याद बोल दे, नकली गेहूँ बोआड़ देगा ये तो। ओ लगंदा बोल दे, 20 लाख में था मैं नकली, क्यों ओ लगंदा। तुम्हारा सोने का चश्मा कहाँ गया? वो तो खोई गयो यार। खोई गयो कि बेची दियो? गाइस गेहूं बोआ चुके हैं पूरे खेत में, और ये 15 से 20 मिनट लगे इनको बोवाने में। दिखाई दे खेत गाइस, ये देखिए मेरे पीछे पूना गाऊ बोआ है, और ये मेरे आगे पोषक बोआ है। और अब इसमें क्या पानी डालना रहेगा ना? हाँ, अब इसको 4 महीने बाद ये कटेंगे, पक के आएंगे फिर। अभी अपना काम क्या बचा, बस पानी डालना। हाँ गाइस, अभी कितने क्या दिन में थोड़ा बहुत कुछ दिखने लगेगा। देखिए गाइस, ये इसको हम अब निकाल के देखते हैं दिखता है कि नहीं। देखे एक आधा गेहूँ का वो दिख जाए तो। अरे क्या ये कि नहीं है? तो गाइस हमारी बहुत बड़ी पोपट हो गई है, हमको गेहूँ ही नहीं दिखे। अरे आएंगे अभी पानी वानी डालेगा तो बढ़िया आएंगे गाँव। अब वहाँ पे क्या चल रहा है वहीं चलते हैं। आज का काम जो है वो हो गया है, गेहूँ बोने हम आए थे और बुआ गए हैं। अब देखते हैं अभी कितनी बज रही है, शाम की 4 बजने वाली है, तो अब देखते हैं घर कितनी क्या बजे तक जाते हैं। अभी आराम से ही बैठेंगे, चिल चिल करेंगे, साटा खाएंगे। ओ ये वाह बेटे वाह, पीरो कैमरामैन। देखे गाइस ये हमारा एक और आ गए, व्लॉग बना रहा है मेरी देखा देखी, ये भी व्लॉग बनाना चालू कर रहा है। हाँ वाह यार, सेटअप तो अच्छा जमा लिया तुम। वाह यार, मैं और जय हम साटे तोड़ने जा रहे हैं अब, चलिए। ये गाइस आज हम साटे काटने जा रहे हैं। अब हम जाएंगे साटे तोड़ने और साटे तेलेंगे, साथ में काटने का भी लेके आए गाइस। ये गाइस अब हम देखते हैं कोई अच्छा मिला है हमको। गाइस कौन सा काटे, जो आड़े पड़ गए ना वारे ब्लॉगर, ये आड़ा पड़ा है। आई एम भयू द गन्ना काटर। मजा आ जाएगा गाइस, गन्ना काट के लिया है। अब इसको हम धोएंगे अच्छे से, घीस घीस के, रगड़ रगड़ के, उसके बाद हम इसको खाएंगे। आपका क्या बोलना है ऋतिक? बस
खाना है बस, इन्हें पहले से ही मतलब है। राइस गन्ने को ऐसा घिस घिस के काटने के बाद धोना पड़ता है क्योंकि इसमें मेल और ये लगा रहता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते हैं। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। सारे आम मेरा चैनल चुराया जा रहा है। ओके गाइस, ये देखिए कल ही दिखा दिया था। चाय आ चुकी है, अब हम चाय पियेंगे। चाय पियेंगे गाइस। चाय चटकाई जाएगी एक नंबर खेत के सामने। तो अभी शाम की 6 बज चुकी है और ठंड वंड बढ़ चुकी है, तो बढ़िया ताप आप लगा लिया है। तो 7 बज चुकी है और हम जा रहे हैं अब घर। ए गाइस, आज हमें अच्छा लगा, हमने गया हुआ हूँ, पूरे बोए हैं, सब कुछ देखा है कैसे क्या होता है। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Thank you.